आपको पता है कि किस तरह से आप फिल्मोरा के अंदर शेप्स, एरोज या कुछ भी अगर आपने ऐड करना हो तो किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा फिल्मोरा के बारे में, काफी बेसिक ट्यूटोरियल। अगर आप ये मेरी वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आई होप इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हाय गाइस, आई एम अजीज संधू फ्रॉम डिजिटल स्पाइडर्स और आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप फिल्मोरा 9 के अंदर अपने एक वीडियो के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर अगर आपने कुछ एरो वगैरह ऐड करने, कुछ शेप वगैरह अगर आपने ऐड करनी है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी एक वीडियो कर लेनी है, जो भी आपकी वीडियो है आपने उसे सिलेक्ट करके अपनी टाइमलाइन के ऊपर लेके आ जाना है, अपने ट्रैक्स के ऊपर लेके आ जाना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये मेरी वीडियो पड़ी हुई है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यार जो मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है इसके अंदर ये जो कैमटेशिया का आइकॉन पड़ा हुआ है इसके ऊपर आके मेरा एक एरो है, स्पेसिफिकली मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ ताकि मेरे यूजर को उसके बारे में पता चल सके। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सिंपली ये जाऊँगा अपने टाइटल्स के अंदर, टाइटल्स के अंदर आपको जाना है एंड क्रेडिट्स के अंदर, एंड क्रेडिट्स के अंदर आपने कोई भी क्रेडिट जोन से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना उस पार्ट ऊपर जहां से आपने अपनी एक शेप ऐड करनी है और जितनी आपने उसकी ड्यूरेशन रखनी है आपने उसे यहां से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे पता है इतने से पार्ट के ऊपर मैंने जो से अपना एक स्पेसिफिक एरो जो से शो करना है अपने कैमटेशिया के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा सिंपली एंड क्रेडिट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और जो भी टेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी मैं इसे क्या करूंगा रिमूव कर दूंगा। जो भी टेक्स्ट आपका पड़ा हुआ है अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सब टेक्स्ट को रिमूव कर दें देन उसके बाद आपको एडवांस की ऑप्शन के ऊपर आना है। एडवांस की ऑप्शन जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने टॉप कॉर्नर पे देखना है कि आपको ऐड शेप नजर आ रही है, अपने सिंपली ऐड शेप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की शेप्स देख सकते हैं, मैं सिंपली एरो को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे एरो ही चाहिए, मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा। देन उसके बाद आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं जिस साइड पर भी आपने इसको लेके जाना है। मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लेके आ जाता हूँ क्योंकि मैंने इस पार्ट को शो करवाना है, तो मैं इसे छोटा कर लूँगा ताकि ये ज़रा प्यारा लगे। देन उसके बाद अगर मैंने इसे बड़ा करना है तो मैं इसे बड़ा भी कर सकता हूँ। उसके अंदर मुझे ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जो भी इसके अंदर नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं सिंपली इस टेक्स्ट को रिमूव कर दूंगा। देन उसके बाद जैसे ही आप साइड बार पे आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेप फुल की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आप डिफरेंट कलर भी चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लाइक है। देन उसके बाद आप उसकी ओपेसिटी भी जो उनसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसे एडजस्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं कैमटेशिया के बारे में बता रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ यार स्पेसिफिक ये पार्ट जो उनसे मैंशन हो जाए, तो इतना सा काम है, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं। अब आपने सिंपली ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वापस आना और अपनी वीडियो को प्ले करके देखना है। तो जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एरो बिल्कुल आ चुका है, काफ़ी इजी काम है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।